नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती और अनुराधा पटियल के अभिनय से सजी फिल्म रुखसत के बारे में और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रुखसत एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे 10 जून 1988 को रिलीज किया गया था। फिल्म के निर्माता है फिलिप चेरियन और फिल्म को निर्देशित किया है सिमी गरेवाल ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है मिथुन चक्रवर्ती, अनुराधा पटेल, सिमी गरेवाल, मार्क जुबैर, अमरीश पुरी, रोहिणी हतंगड़ी, सुजीत कुमार, प्रदीप कुमार, टॉम अल्टर और विकास आनंद ने। फिल्म के गीत लिखे हैं अनजान तथा फारूक कैसर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 6 गाने हैं जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है किशोर कुमार, सुरेश वाडकर और साधना सरगम ने। फिल्म को IMDB की ओर से 10 में से 7.2 की शानदार रेटिंग मिली हुई है और 80% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 1.25 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने भारत में 2.35 करोड़ का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 3 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। दोस्तों, बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म की घोषणा 1983 में की गई थी, तब इस फिल्म का नाम अर्धांगिनी रखा गया था और इस फिल्म में विनोद खन्ना काम करने वाले थे, लेकिन तभी विनोद खन्ना फिल्में छोड़ ओशो की शरण में चले गए। तब विनोद खन्ना की जगह मिथुन चक्रवर्ती को साइन किया गया और फिल्म का नाम अर्धांगिनी से बदलकर रुखसत कर दिया गया। फैक्ट नंबर 2, यह फिल्म अभिनेत्री सिमी गरेवाल की बतौर निर्देशक पहली फिल्म है। इस फिल्म को बनने में करीब 5 साल की देर हुई। सिमी गरेवाल द्वारा निर्देशित यह एकमात्र फिल्म है। फैक्ट नंबर 3, सिमी गरेवाल ने पहले राज बब्बर को फिल्म ऑफर की थी, लेकिन राज बब्बर ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। तब उस भूमिका को मार्क जुबैर ने निभाई थी। फैक्ट नंबर 4, फिल्म निर्माण के दौरान हॉलीवुड फिल्मों के निर्देशक डेविड लीन ने मार्क जुबैर से संपर्क किया और उन्हें हॉलीवुड फिल्म पैसेज टू इंडिया में डॉक्टर अजीज की भूमिका की पेशकश की। डेविड लीन इस भूमिका के लिए एक ब्रिटिश भारतीय अभिनेता चाहते थे, क्योंकि मार्क जुबैर पहले कई हॉलीवुड फिल्में और टीवी सीरियल में काम कर चुके थे। मगर समस्या यह थी कि अगर मार्क जुबैर ने उस भूमिका को स्वीकार कर लिया तो फिल्म रुखसत को बनने में देर होगी और बहुत सारे वित्तीय नुकसान होंगे, इसलिए मार्क जुबैर को उस भूमिका को छोड़ना पड़ा। फैक्ट नंबर 5, अनुराधा पटेल की भूमिका के लिए पहले स्मिता पाटिल से संपर्क किया गया था, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से स्मिता पाटिल ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। तब स्मिता पाटिल के बाद इस रोल के लिए सारिका को भी अप्रोच किया गया, लेकिन सारिका ने भी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। फिर आखिरकार इस रोल में अनुराधा पटेल को साइन किया गया। फैक्ट नंबर 6, मिथुन चक्रवर्ती और सिमी गरेवाल की एक साथ यह एकमात्र फिल्म है। फैक्ट नंबर 7, अभिनेत्री सिमी गरेवाल की यह आखिरी फिल्म है। सिमी गरेवाल ने इस फिल्म में अभिनय के साथ इस फिल्म का निर्देशन भी किया है। फैक्ट नंबर 8, एक स्टोरी जो उस समय मीडिया में खूब चर्चा में रही थी, बात यह थी कि मिथुन चक्रवर्ती ने अनुराधा पटेल के साथ एक किसिंग सीन करने से इनकार कर दिया था। तब सिमी गरेवाल ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि मिथुन चक्रवर्ती को किस वाले सीन के बारे में पहले से पता था जब उन्हें फिल्म के बारे में बताया गया था। सिमी गरेवाल इस बात से नाराज थी कि मिथुन ने इंटरव्यू में ऐसा कहा था। फैक्ट नंबर 9, मिथुन चक्रवर्ती की अनुराधा पटेल और मार्क जुबैर के साथ यह एकमात्र फिल्म है। फैक्ट नंबर 10, 1996 में रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म जीत भी इस फिल्म के कॉन्सेप्ट से प्रेरित थी और दोनों फिल्मों में अमरीश पुरी ने एक समान भूमिका निभाई थी। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।